गुड मॉर्निंग, सुबह के 6:40 हो रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं लॉन्ग राइड के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आज हम लोग को रायपुर से पहुँचना है भद्राचलम। लगभग 540 किलोमीटर की राइड है, 12 घंटे की राइड है, और हम लोग निकल रहे हैं तिरुपति बालाजी के लिए। और आप लोग भी चलिए इस यात्रा में साथ में। हमेशा की तरह डेली व्लॉग्स आते रहेंगे और डेली आप लोगों को इस यात्रा का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामय जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। वैसे मैं लेट चल रहा हूँ, 6 बजे निकलने का डिसाइड हुआ था, लेकिन 6:40 हो चुके हैं। कॉफी थरमाई, वाह, ब्लैक कॉफी बना के दे रही है ज्योति। गोलू सो रहा है, मैं उसको उठाने का कोशिश किया बट गहरी नींद में है। चलो ज्योति नीचे तक चलो। अरे मेरा बेटा उड़ गया, मेरा आ जाओ बेटा, अरे आ जाओ बेटा, चलो और एक बार गाड़ी। हमारी महारानी भी हमारे सर का ताज लेके खड़ी है। ठीक है गोलू, श्री गणेश किया जाए। अभी जो 8:15 पब्लिश होगा उसको देखना, एक मस्त मैसेज दे दीजिए। ठीक है गोलू, टाटा, आता हूँ बेटा ना। हाँ वाह, आता हूँ ज्योति। हाँ जय श्री बालाजी। वैसे आज रात को सिर्फ मैं 3 घंटे सो पाया, कल की रात को भी मैं मात्र 3-4 घंटे ही सो पाया था, फिर भी मैं आश्चर्यजनक रूप से एकदम फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। और क्या हाल चाल? दिख रहा है स्लैक। और बता, और सर क्या हाल चाल? और कोमल बहुत देर से वेट कर रहा है भाई ना तू। भाई भाई क्या बात। विनायक भाई से अभी अभी बात हुई, उनको 10-20 मिनट और लगेंगे। वेलकम विनायक भाई। जी, फुल पावर 24 आवर्स। थैंक यू। मगर थैंक यू भाई, लोग मिलते हैं, थैंक यू। 8:05 हो रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं रायपुर से, और रायपुर से निकलने से पहले हमारी बाइक्स को भोजन करा दिया जाए, इनको ब्रेकफास्ट करा दिया जाए, टैंक फुल करा दिया जाए। 730 48 8.60 लीटर। 9:20 और हम लोग पहुँच रहे हैं अभी धर्म की नगरी धमतरी, और लगभग रायपुर से निकले हम लोग को 75 किलोमीटर हो चुके हैं। इंटरकॉम में कनेक्टेड हैं हम लोग, तो बात करते करते गप्पे मारते मारते पता ही नहीं चला कि कैसे धमतरी पहुंच गए। हम लोग पहुंचे हैं अभी पुरूर नाम की जगह में, और यहां पर एक स्मॉल सा ब्रेक लेने वाले हैं, कॉफ़ी ब्रेक। ये आर्म स्लीव बढ़िया काम कर रहे हैं, ये मेरा हाफ टी शर्ट फुल टी शर्ट की तरह फंक्शन कर रहा है अभी, और कपड़ा भी बढ़िया है ये, मतलब ठंडा ठंडा लग रहा है। कॉफ़ी ब्रेक पहला वाला, 9:53 हो रहे हैं, और आज का हम लोग स्टे का सोच रहे हैं भद्राचलम में। रायपुर से लगभग 540 किलोमीटर की दूरी होगी आज टोटल, और जिसमें से लगभग हम लोग 100 किलोमीटर कर चुके हैं। CG14 हमारे छत्तीसगढ़ जशपुर ज़िले का नंबर है, और देखिए आने वाले 5-10 दिनों में कहाँ कहाँ जाती है, किन किन जगहों से गुजरती है। दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, एक एडवेंचर टूरर और एक स्पोर्ट्स टूरर। संयोग की बात देखिए, दोनों का सैडल बैग का डिज़ाइन भी एक जैसा है और टैंक बैग का भी डिज़ाइन एक जैसा है। गुड, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है और अच्छी चीज़ें होनी बाकी है। 10:30 हो रहे हैं, हम लोग का ब्रेक हो गया ऑलमोस्ट 1 घंटे का। हम लोग सोचे थे 20 मिनट के लिए रुकेंगे बोल के ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। अब मिली है बेहतरीन रोड, हम लोग आराम से ट्रिपल डिजिट स्पीड कर रहे हैं 90-100 के स्पीड में। बस एक छोटा सा दिक्कत है कि मेरा जो बाल तोड़ है ठीक सीने में हुआ है, तो विंड ब्लास्ट आ रहा है सीने में, ढप 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 ढप, मेरा जो जैकेट पड़ रहा है वहाँ पे तो दर्द हो रहा है। भगवान करिए फूट जाए मेरा बाल तोड़ और इस दर्द से मुक्ति मिले। अब आनंद और दोगुना तीनगुना होते जा रहा है, जैसे जैसे सड़क चेंज हो रही है, दृश्य चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे मन के अंदर की अनुभूति भी चेंज हो रही है। केसकाल से पहले कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरी ऑफ रोडिंग है, और इस ऑफ रोडिंग में हिमालयन का फ़ायदा उठाते हुए विनायक भाई काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हाईवे में देख लूँगा मैं उनसे, पूरा बदला लूँगा हाईवेज में इस बात का। ये देखिए विनायक जी पूरा हिमालयन का आनंद उठा रहे हैं, दन 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 निकाल रहे हैं। हाईवे में मिलते हैं विनायक भाई।
और ये शुरू हो गई केशकाल की खूबसूरत घाटियाँ। और इस केशकाल घाटी में 12 टर्न है, 12 कर्व्स हैं। बाइकर्स को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कर्व्स में, और अभी हम इन कर्व्स का 12 बार आनंद लेंगे। क्या बात है, आप भी आनंद लो। हम लोग अभी गुजर रहे हैं खूबसूरत कोंडा गांव से, और जो मेरी पहली बस्तर यात्रा थी जो मैं भरे बरसात में किया था, तो पहला जो रात्रि विश्राम था इसी जगह पे किया था हम लोग कोंडा गांव में। इस वक्त दोपहर के 12:45 हो रहे हैं और हम लोग अभी तक कुल 230 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं रायपुर से। इस तरह से ट्रकों में, पिकअप में लोग भर भर के जा रहे हैं, कोई चुनावी माहौल सा महसूस हो रहा है। हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं भानपुरी नाम की जगह पे। यहाँ पे पेट्रोल टैंक फुल कराएंगे और यहाँ से जंगली रास्ते में जाना है, तो मैप वगैरह चेक कर रहे हैं। और घर से जो मैं कॉफ़ी लेके आया हूँ, ज्योति जो कॉफ़ी भेजी है वो कॉफ़ी भी पी लेते हैं कि एनर्जी रहेगी। अभी तक का जो सफ़र है काफ़ी ज़ोरदार था और 100-110 के क्रूज़ में आए हम लोग, और हम लोग 50% दूरी कम्प्लीट कर चुके हैं। 50% और बचा है जो आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस अभी अपन एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं। आनंद आ गया कॉफ़ी पी के। कॉफ़ी पीने से पहले बढ़िया वेट वाइप से चेहरा वगैरह क्लीन कर लिए, बढ़ते हैं आगे। सेकंड टैंक फुल 750 रुपये, 8.61 लीटर। मतलब रायपुर से यहाँ तक आने में 750 रुपये का पेट्रोल लगा है। दोपहर के 2:27 हो रहे हैं और अभी हम लोग गुजर रहे हैं जगदलपुर शहर से, और यहाँ पे मिलेंगे हमारे प्रिंस भाई। कैसे हो? उधर से था रास्ता। किधर से? जो आपको लेफ्ट लेके मैं बोल रहा था ना सीधे आने। हाँ? देख रहा हूँ आप लोग 2.5 किलोमीटर इधर आ गए। कैसे हो? तिरुपति बालाजी। अच्छा बता, भद्राचलम किधर से जाना है? आगे होंडा अमेज में है प्रिंस, जो हम लोग को अभी जगदलपुर से बाहर तक छोड़ेंगे, रास्ता दिखाएंगे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हर तरफ सर्वत्र मार्गदर्शक हमारे मिल जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच प्रिंस भाई रास्ता दिखाने के लिए। आजकल भटकाने वाले ज़्यादा मिलते हैं विनायक भाई, सही रास्ता बताने वाले लोग कम होते हैं। हमारे प्रिंस जितने खूबसूरत हैं उतने खूबसूरत फोटोग्राफर भी हैं। सारे फोटोज आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में दिख जाएंगे और प्रिंस को भी हम टैग कर देंगे क्रेडिट में। ओके बाय। यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट सुकमा के लिए। सुकमा से जाएंगे कोंटा और कोंटा से भद्राचलम। नाम बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, भद्राचलम। संस्कृत टाइप का फीलिंग है इस नाम में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में आपका स्वागत है। सुकमा है यहाँ से 79 किलोमीटर, 3:18 हो रहे हैं। और ये पूरी सड़कें मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। जगदलपुर तक का सड़क में यहाँ देखा हुआ था, तो अभी नई नई सड़कें, नए नए लोग, नया नया दृश्य, अति आनंद की प्राप्ति हो रही है। मैं बहुत नाम सुना था कांगेर घाटी नेशनल पार्क का, आज इस पर बाइक चलाने का भी मौका मिल रहा है। देखिए बंदर 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 बंदर, क्या बात। अरे रे रे, मैं तो भूल गया था, ये वाला गेट देख के याद आ रहा है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ विवेक और काल भाई के साथ में। इधर भी गए थे हम लोग जलप्रपात देखने के लिए। हम लोग अभी गुजर रहे हैं कांगेर नेशनल पार्क के घनघोर जंगलों के बीच में, और क्योंकि दोनों तरफ से पेड़ की छाँव है इसीलिए सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पा रही है। बज अभी रहे हैं 3:30, लेकिन महसूस हो रहा है जैसे 5:30, 6 बज चुके हैं करके, शाम हो चुकी है करके। कहीं कहीं पे पेड़ों के बीच से छन के सूरज की रोशनी आ रही है, अच्छा लग रहा है। ये देखिए किस तरह से अपनी जान हथेली पे लेके यात्रा करते हुए, देख रहे हो विनायक भाई कितना सुंदर लग रहा है सब। अभी है जगदलपुर और सुकमा के बीच में, हम लोग कहीं ये खूबसूरत सा नज़ारा दिखा, जंगल दिखा, तो हम लोग सोचे कि 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। काफ़ी आनंद आ रहा है, शांति है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम लोग गुजर रहे हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क से, क्या खूबसूरत नज़ारा। शाम के 5:05 है और हम लोग पहुंचने वाले हैं सुकमा, लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर। और
सुकमा अक्सर न्यूज़ में रहता है, काफ़ी कुख्यात विख्यात जगह है। आप एक बार गूगल कीजिएगा सुकमा, और बेहतरीन इस वक्त सनसेट हो रहा है। और आज भी देखिए क्या सौभाग्य है कि सनसेट हाईवे में अपनी RR 310 के डैशबोर्ड के साथ में देखने का मौका मिल रहा है। क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन है खूबसूरत सनसेट का। बोर्ड में जैसा आप देख सकते हो कोंटा 76 किलोमीटर, भद्राचलम 158 किलोमीटर, क्या बात। और खूबसूरत सनसेट, सूर्य देवता हमारा वेलकम करते हुए। रोड्स कुछ इस तरह से कंक्रीट रोड है, वेल मार्क्ड है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रकृति अपना स्वरूप भी बदलती जा रही है, पेड़ पौधों की नस्ल चेंज होती जा रही है, बहुत सारे नारियल के पेड़, खजूर के पेड़ वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। ये एक माइनर सा इशू आ गया, ऑक्सिलरी लाइट है हमारी हिमालयन की, उसका क्लैंप टूट गया है, तो इसको निकाल के अपन अभी रख देंगे बैग में। माइनर सा इशू है, सुबह इसको ठीक कराते हैं। टैंक में जगह है आपके टैंक बैग में। ये सारे जवान तैनात हैं यहाँ पे। हम लोग इस वक्त काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र से गुजर रहे हैं, इसीलिए हम लोग कोई ब्रेक भी नहीं ले रहे हैं, ताकि दिन रहते हम लोग छत्तीसगढ़ की सीमा क्रॉस कर सकें। इस वक्त बज रहे हैं 5:37, कुछ ही मिनटों में अंधेरा होने वाला है। 6:40 हो रहे हैं और अभी हम लोग हैं आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में। आंध्र प्रदेश में हम लोग कोई चट्टी नाम की जगह है, यहाँ पे एक छोटा सा ये होटल जैसी संरचना है, वहाँ पे बैठे हैं हम लोग, कुछ कुछ खा रहे हैं। ये नट्स वगैरह लेके आए थे अपन अपने साथ में। आज की राइड काफ़ी बढ़िया रही, काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर किया हम लोग, आराम से हो जाएगा, ईजी, इसलिए तो आराम से बैठे आस्ता आस्ता कर रहे। और ये वाइप बढ़िया काम का चीज़ है, चेहरा वगैरह बढ़िया ड्राप कर लो, फ्रेश लगता है। 30-40 मिनट का अच्छा खासा ब्रेक हो गया, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिए, फिर से रिचार्ज हो गए। आखिरी के 60 किलोमीटर अभी भद्राचलम के लिए, एक सांस में इतना तो कर लेंगे। 7:04 हो रहे हैं, चलें विनायक भाई। हम लोग अभी जंगलों से गुजर रहे हैं, लेकिन रोड्स बहुत अच्छे हैं। भद्राचलम में हम लोग रूम भी बुक कर दिए हैं, तो मैप्स में डायरेक्ट वहीं का एड्रेस डाला हुआ है। 7:57 और हम लोग पहुंच चुके भद्राचलम। सुबह 8 बजे निकले थे रायपुर से, और शाम के ठीक 8 बजे हम लोग भद्राचलम पहुँचे। 12 घंटे में 545 किलोमीटर, 545 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किए, जिसमें से 2 मेजर ब्रेक था, एक मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट किए वो, और अभी शाम को जो आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे हम लोग कॉफ़ी पिए वो 2 मेजर ब्रेक था। इसके अलावा हम लोग लिए हैं 1 फ्यूल ब्रेक, और विदाउट एनी ब्रेक्स बहुत सही डिस्टेंस कवर किए हम लोग। अभी जाके बस नहा वहा के बढ़िया वीडियो एडिट करना है, और पापी चिकन भी तो खाना है। बिल्कुल, पहुंच गए हम लोग होटल, होटल ग्रैंड इन। ठीक है, मनी मनी पहुंच गए हम लोग भद्राचलम, और रूम भी बढ़िया मिल गया हम लोग को। ये हम लोग को पड़ा कितना है, 900 का ना, 920 रुपीज़ का। बढ़िया फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। और एक बेहतरीन गुड न्यूज़, जो पिछले एक हफ्ते से जो चीज़ परेशान कर रहा था वो फूट चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम राहत महसूस हो रहा है, मतलब यात्रा की शुरुआत में गुड न्यूज़, एक बहुत पुराने दुख से मुक्ति मिली। कल परसों में एक स्पेशल गेस्ट हम लोग को ज्वाइन करने वाले हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में गेस करो कि हमारी इस यात्रा को कौन और ज्वाइन करने वाला है। कौन, मैं भी नहीं जाना। 3 बॉटल पानी, मूल वाटर, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है, बहुत मुश्किल से ऑर्डर समझा है। बड़े बियर को जो मतलब इसी कास्ट का है, जो फ्रेंड है, उनसे हमें कम्युनिकेट करवाया, जो यही सेम लैंग्वेज जो बोलते हैं, ना इंग्लिश आता ना हिंदी, आड़ू नाड़ू मोड़ू कर रहा है। तो ओके, नो प्रॉब्लम, बस भाषा क्या है, बस कम्युनिकेट होना चाहिए। वो समझ गया आखिरी में कि इनको बेटा भूख लगी है, जम के कुछ खिलाओ इनको, जल्दी से मुर्गा खिलाओ, चिकन खिलाओ, इतना समझ गया। चिकन समझा, लेकिन पापी चिकन पूरा इंडिया समझता है भाई। ये सारे गैजेट्स चार्ज हो रहे हैं, और खाना आ गया था, हम लोग खाना खा भी लिए, ज़्यादा खा लिए, भूख जम के लगी थी।
ये वाला वीडियो मेरे को एडिट करना है, अपलोड करना है, शेड्यूल करना है, फिर सोना है। और विनायक भाई आपका क्या प्लान है अभी? मैं सो रहा हूँ भैया। इसी नोट पे आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। राइड सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।